स्टैटिक वेलफेयर गेन से हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं दैट इज़ डायनामिक बेनिफिट्स फ्रॉम कस्टम यूनियन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है कस्टम यूनियन की फॉर्मेशन का वो है कम्पटिवनेस uh, कम्पटिशन competit अब नॉर्मली uh, होता क्या है अगर कंट्रीज माइक्रो uh, इकोनॉमिक्स के मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हम ब्रॉडली स्पीकिंग दो मार्केट स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करते हैं वन इज़ कम्पटिव मार्केट अदर वन इज़ नॉन कम्पटिव मार्किट्स तो कम्पटिव मार्केट्स के अंदर आपके पास परफेक्ट कंपटीशन बेस्ट एग्जांपल जो आप पढ़ते हैं देन नॉन कम्पटिटिव के अंदर आपके पास मनोपली आती है जहाँ पर एक सिंगल प्रोड्यूसर होता है और वो पूरी सप्लाई uh, को कंट्रोल कर रहा होता है या प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है देन डिओपली होता है जहाँ पे दो फर्म्स या दो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स देख रहे होते हैं सारी चीज़ें दैन फिर आपने मार्केट स्ट्रक्चर्स में ऑलीगोपली स्ट्रक्चर्स पढ़े दैन मनोपलिस्टिक कंपटीशन के स्ट्रक्चर्स सुने होंगे पढ़े होंगे माइक्रो इकनॉमिक्स के कोर्स के अंदर तो हमेशा फ़ायदेमंद आपके पास परफेक्ट कंपटीशन ही होता है फॉर द सोसाइटी अल्टीमेटली क्योंकि कंपटीशन हायर होता है लोग बेहतर क्वालिटी uh, की तरफ जाते हैं चीज़ों की प्राइसेस कंपेटिटिव हो जाती हैं प्राइसेस uh, आपको कम मिलती हैं जबकि दूसरी जो मार्केट है उसके कुछ अपने इश्यूज़ हैं लाइक like, अगर मनोपलिस्ट एक बंदा मनापलिस्ट है तो ज़रूरी नहीं कि वो अपनी सर्विसेज को बेहतर से बेहतर करने का uh, ख्वाहिशमंद हो उसको पता है कि मैं एक सिंगल प्रोड्यूसर हूँ पर्टिकुलर एक रीजन के अंदर हो सकता है नेशनल uh, लेवल पे हो सकती है मोनोपली या इंटरनेशनल लेवल पे हो सकती है या किसी भी फॉर्म में हो सकती है हर फॉर्म के अंदर उसको पता है कि आपके पास मैं एक सिंगल प्रोड्यूसर हूँ तो आई डोंट नीड टू बेसिकली अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ दैट कॉमोडिटी देन फिर आपके पास ओलीगोपली मार्केट स्ट्रक्चर्स या आपके पास मोनापलिस्टिक uh, कंपटिशन्स uh, में वो एक कार्टल वाला केस पढ़ा था हमने कि कंट्रीज आपस में मिल जाती हैं और वो फिर प्राइस की तरफ जाती हैं सिंगल प्राइस की तरफ़ जाती हैं अल्टीमेटली उसका भी मकसद मनोपली क्रिएट करना ही है तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जब डायनामिक uh, गेम्स uh, में ये चीज़ होती है कि जब कस्टम यूनियन फॉर्म होती है, तो वहाँ पे डिफरेंट uh, कंट्रीज आपस में जब मिलती हैं तो कंपटीशन ओपन होता है अब सपोज uh, ये हो सकता है दर इज़ पॉसिबिलिटी दैट आ मोनोपलिस्ट इज सिटिंग इन ब्रिटेन यूके आ मोनोपलिस्ट ऑफ अ कमोडिटी इज सिटिंग इन बेल्जियम इन फ्रांस इन इटली चार कंट्रीज़ के मैं नाम लेता हूँ इसी चीज़ को प्रोड्यूस करने वाले चार प्रोड्यूसर हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बैठे हुए हैं अब उनको अपनी कंट्री में इस चीज़ के अंदर मनापली है लेकिन अगर कस्टम यूनियन फॉर्म हो जाती है तो दे वुड नो कि अब मैं सिंगल प्लेयर नहीं हूँ अब मेरे पास तीन चार या इवन और प्रोड्यूसर हैं सपोज आठ दस हैं सो इन दैट केस उसको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी, उसको अपनी क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी बेहतर टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा और प्रोडक्शन भी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की तरफ जाएगा बेहतर प्रोडक्शन होगी और इस सब से अल्टीमेटली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा होगा देन अगर ये चीज़ें ना हों कस्टम यूनियन फॉर्म ना हो रही हो तो वो आ, अपने हिसाब से ग्रो करेंगे अपने हिसाब से एक जो ग्रोथ पैटर्न होगा उस फर्म का उस मोनोपलिस्ट का वो बड़ा आ, जो है वो स्लो स्पीड के साथ होगा लेकिन जैसे ही कंपेटिटिव इन्वामेंट आएगा आपके पास ओवरऑल जो है वो फ़ायदा होगा तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ मेकिंग कस्टम यूनियंस देन दूसरी जो चीज़ है Uh, वो है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अब नॉर्मली क्या होता है कि जब आपको पता लग जाए कि मेरे नंबर ऑफ बायर्स बढ़ रहे हैं तो देन यू स्टार्ट टू मेक थिंग्स इन अ लार्जर स्केल आप बड़े स्केल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं अगर आप सपोज छोटा कंट्री है फर्स्ट कि हम बेल्जियम की एग्जांपल लेते हैं नीदरलैंड की एग्जांपल लेते हैं फ्रांस फ्रांस नहीं बेल्जियम नैदरलैंड की एग्जाम्पल लेते हैं ये दो कंट्री स्मॉल हैं फिनलैंड की एग्जाम्पल ले सकते हैं अगर ये कंट्री स्मॉल है तो इस केस के अंदर वो कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन करें एंड देन सेकेंड स्टेप इज दे हैव टू एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज टू गेट फॉरन रेवेन्यू ऑबियसली एक्सपोर्ट्स करते हैं वो तो उस केस के अंदर अगर टैरिफ की रिडक्शन हो जाती है आपके पास कस्टम यूनियन की फॉर्मेशन हो जाती है तो यू कैन इमेजिन दैट कि वो छोटा सा कंट्री अब बड़े कंट्रीज लाइक ब्रिटेन्स की बात करते हैं यूके की बात करते हैं आल दो वो अब कस्टम यूनियन के अंदर वहाँ पे यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं रहा वो उस मार्केट को भी इफेक्ट उस मार्केट के अंदर भी चीज़ें भेज रहा है विदाउट एनी टैरिफ सो इन दैट केस आपके पास इकोनमीज ऑफ स्केल आती हैं कुछ कंट्रीज जो हमने फैक्टर इंडोमेंट वाली थेरी पढ़ी हुई है तो जहाँ पे कैपिटल अबंडेंट है और वो कंट्री पोज स्मॉल है तो वो अपने कैपिटल को बेहतर से बेहतर यूज़ करेगा देन ज्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा क्योंकि उसकी मार्केट अब सपोज एक छोटा सा मुल्क नहीं है या उसने जो बायर भेजने हैं वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे कंपीट नहीं करना पड़ा उन्होंने कस्टम यूनियन फॉर्म की है और उस कस्टम यूनियन की फॉर्मेशन की वजह से जो प्राइसेस हैं वो आपके पास कम्पैटेटिव रहेंगी या कम रहेंगी उस कमोडिटी की तो इस केस के अंदर अगर बड़ा इंटरेस्टिंग केस मैंने यहाँ पे लिखा भी है बेल्जियम और नैदरलैंड का तो इस केस के अंदर जब यूरोपियन यूनिफॉर्म हो रही थी तो इन दोनों के जो प्लांट्स थे इंडस्ट्रीज के वो आलमोस्ट कम्पेरेबल थे विद द यू एस थे अब अब यू कैन इमेजन दैट कि यू एस एक लार्ज इकॉनमी है लेकिन ये छोटी कंट्रीज होने के बावजूद इंडस्ट्रियल स्टेट होने के इंडस्ट्रियल स्टेट्स की वजह से इंडस्ट्री इंडस्ट्री की फ्लरिशनेस uh, ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स से दैट टूट दीज कंपेरेबल विद द यूएसए. देन एक और uh, बड़ी इंटरेस्टिंग uh, चीज़ होती है व्हेन कस्टम यूनियंज आर फॉर्म्ड वो ये है कि इस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ कस्टम यूनियन के मेंबर्स ही नहीं एक्सप्लाइड करते या उससे फ़ायदा नहीं उठाते बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी जो कंट्रीज़ डोमिनेट होते हैं बड़े होते हैं कैपिटल के साथ होते हैं वो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं ये बड़ा क्लासिकल केस है कि जब यूरोपियन uh, यूनियन की फॉर्मेशन होती है उस केस के अंदर जो यू uh, एस है यूनाइटेड स्टेट्स वो बड़े लेवल पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है अब उस इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्शन प्लांट खोलने की कोशिश करता है उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो अगर सपोज़ यू एस ए है उसने ब्रिटेन में या किसी यूरोपियन यूनियन के कंट्री में चीज़ बेचनी है तो अगर तो वो वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर रहा यूरोपियन यूनियन की किसी कंट्री के अंदर उसको अगर अपने मुल्क से भेजनी पड़ी है तो उसके ऊपर इम्पोर्ट टैरिफ लगते हैं लेकिन अगर यू एस ए ये करता है कि वो चीज़ की प्रोडक्शन अपने मुल्क में नहीं करता वही चीज़ की प्रोडक्शन थ्रू एम एन सी थ्रू एफ़ आई फॉरेन uh, इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म के अंदर वो किसी यूरोपियन मेंबर कंट्री की कंट्री uh, के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट कर देता है उस केस के अंदर फिर क्या होगा वो प्रोडक्शन लोकल होगी और उसके साथ अल्टीमेटली क्या होगा वो पूरे यूरोप में फ्री ऑफ टैरिफ अपनी चीज बेच सकता है तो बेसिकली कस्टम यूनियन की वजह से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ uh, जो दूसरी नेशंस हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से उनको नज़र आ रही होती हैं तो वो चाहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें उन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे ये कस्टम यूनियन फॉर्म हो रही है तो वन कैन से कि इस कस्टम यूनियन का इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ता है और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा कस्टम यूनियन मेम्बर्स को भी होता है क्योंकि जहाँ पे ये प्लांट्स लगने हैं या जहाँ पे प्रोडक्शन होनी है वहाँ के वहाँ का रॉ मटेरियल भी यूज़ होगा वहाँ की लेबर भी यूज़ होगी वहाँ पे दूसरी चीज़ों की यूटिलाइजेशन भी होगी जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा होगा उस कंट्री को अब आप देखें इंटरेस्टिंगली अगर आप इंडिया का केस देखें या चाइना का केस देखें तो वहाँ पे एक बड़े लेवल पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो सपोर्ट करती है जबकि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से आपको नहीं नज़र आ रहा यहाँ पे जो है वो रेमिटेंसेस की फॉर्म में हमें ज़्यादा सपोर्ट मिलती है देन अगर कस्टम uh, यूनियन की फॉर्मेशन की बात करें तो एक इसका uh, एक और फ़ायदा जो है वो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की बात हो रही है वो ये है कि अगर कस्टम यूनियन फॉर्म होती है तो जो आपके रिसोर्स हैं लेबर एंड कैपिटल उसका फिर क्या होगा बेहतर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगी मूवमेंट होगी लेबर की और कैपिटल की फ्रीली तो जहाँ पे आपके पास लेबर एक्सेस है उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर तो वो लेबर दूसरी कंट्री के अंदर जाके अपना जो काम कर सकती है और जहाँ पे लेबर कम है उसको वो फुलफ़िल कर सकती है उस डिमांड को वहाँ पे प्राइसेस की भी स्टेबिलिटी टू समस्टेंड आपको नजर आएगी वेजेस की फॉर्म के अंदर ओवरऑल Uh, फ़ायदा होगा स्किल्ड वर्कर का यूज़ बेहतर तरीके से हो सकेगा और लेबर को उसकी सपोज uh, uh, जो स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो वेजेस uh, मिलेंगी तो अल्टीमेटली लेबर uh, uh, जो कस्टम यूनियन को uh, इस डायनामिक गेन के लिए uh, लोग ज्वाइन करना चाह रहे होते हैं और कहीं ना कहीं पे उनका uh, ये आइडिया होता है कि हम अगर पूरी दुनिया के साथ नहीं कर सकते तो ऐटलीस्ट कुछ कंट्रीज के साथ कर लें यानी कि वो अपनी तरफ से कंट्रीज़ जो हैं वो थेरी जिसका हमने भी जिक्र किया था सेकंड बेस्ट सोलूशन की तरफ जा रहे होते हैं तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है इफ़ वी आफ आई नॉट बेसिकली डू अ सिंगल थिंग देन आई मस्ट डू रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सिंगल थिंग थिंग्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग तो उस केस के अंदर इस यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास नेशंस उस कस्टम यूनियन के अंदर जाएंगी ताकि कुछ कंट्रीज़ के साथ वो क्या कर सकें टैरिफ़ फ्री ट्रेड कर सकें तो बेस्ट पॉलिसी क्या हो सकती है अगर सेकेंड बेस्ट की तरफ नहीं जाना बेस्ट पॉलिसी लाइक यू यूएसए क्या कर सकता है बिल्कुल यूली सारे ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दे बहुत बड़ा इकॉनमी है यूएसए तो आप सेकंड बेस्ट की तरफ ना जाएं हम लोगों ने रिज्यूम के ये पढ़ा है कि फ्री ट्रेड बेनिफिट देगी तो कोई भी एक कंट्री अगर बड़ा है तो वो या कोई भी कंट्री बेहतर है कि वो सबके साथ टैरिफ फ्री ट्रेड करे टैरिफ ना हो लेकिन ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली क्योंकि नेशंस के ऊपर बहुत से प्रेशर होते हैं जो आ, प्रेशर अंदर से आना है लॉबिंग होती है वहाँ पे जैसे हम लोगों ने टैरिफ थेरीज जहाँ पे पढ़े थे तो वहाँ पे हमने कहा था कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होते हैं वो रहे होते हैं कि हाई टैरिफ लगें या कम से कम जो है वो कोटा बाहर से आए ताकि वो डोमेस्टिकली सप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस दे सकें इसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था रोल लेबर यूनियन का जो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर बड़े एक्टिवली परफॉर्म कर रही होती हैं तो उस केस के अंदर वो कुछ चीज़ें पीछे अलाइंड होती हैं जो कस्टम यूनियन की फॉर्मेशन के अंदर जो इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो नहीं कर सकता कि कोई एक कंट्री तमाम के तमाम बैरियर्स रिमूव कर दे इवन जो बहुत ज़्यादा लिबरल कंट्री भी होगा ट्रेड लिबरल होगा उसके भी किस कहीं ना कहीं पे टैरिफ या नॉन टैरिफ की फॉर्म के अंदर उसने बैरियर्स लगाए होते हैं तो ये एक केस हमने पढ़ा कि जहाँ पे कंट्रीज़ कस्टम यूनियन के थ्रू स्टेटिक गन्म्स भी लेते हैं एंड देन कंपेरेटिव गेंस भी लेते हैं तो यहाँ पे हम कस्टम यूनियन जो इकनॉमिक इंटीग्रेशन है और कस्टम यूनियन के फ़ायदों को ख़त्म करते हैं कुछ रीडिंग मटेरियल्स आप ख़ुद देख सकते हैं कि किस तरीके से डेवलप वर्ल्ड के अंदर जो अब डेवलप है वहाँ पे किस तरीके से कस्टम यूनियन फॉर्म हुई और किस तरीके से वो ग्रो की और क्या क्या फ़ायदे मिले एंड देन हम ये भी देख सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर कस्टम यूनियन फॉर्म हो रही हैं या हुई हैं उन्होंने किस तरह फ़ायदा दिया तो वो गेंद्स आप सेल्फ स्टडी के तौर पे पढ़ सकते हैं